हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित। अभी मैं अहमदाबाद से 20 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ रुदाबाई की बावड़ी या रुदाबाई का वाव। सामने है ये 5 स्टोरे का कुआं, आप कह सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, पूरी हिस्ट्री अंदर चलकर बताते हैं। ये रहा अदलज की वाव का एंट्री एरिया। आप यहाँ अहमदाबाद से पर्सनल कैब ऑटो कर आ सकते हैं। अदलज की वाव सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक टूरिस्ट के लिए खुली रहती है। ये वाव रानी रुदाबाई ने अपने पति राणा वीर सिंह के याद में 1498 में बनवाया था। दोस्तों, इस बावड़ी को अदलज का वाव, रुदाबाई की बावड़ी भी कहते हैं। यहाँ का एंट्री टिकट है 25 रुपए पर पर्सन, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। चलिए इस बावड़ी का इतिहास बताते हैं। 15वीं शताब्दी में यहाँ पर एक छोटा सा राज्य डांडी था। उस समय यहाँ पर बहुत सूखा पड़ रहा था। राजा थे राणा वीर सिंह, रानी थी रुदाबाई। राजा ने इस कंडीशन को देखकर एक बावड़ी बनाना चाहा और उसका निर्माण स्टार्ट कर दिया। उसी बीच पास के राज्य के राजा मोहम्मद वेगड़ा यहाँ पर युद्ध छेड़ दिए, इस राज्य को कैप्चर करना चाहे। युद्ध में राजा शहीद हो गए और रानी उसके बाद राजा के शहीद होने के बाद जौहर करना चाहे, लेकिन उसी बीच मोहम्मद वेगड़ा उन्हें रोक दिए और कहे कि मैं आपकी खूबसूरती पे मोहित हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। रानी दुविधा में पड़ गई, क्या करें, यहाँ तो मुझे जौहर करने से रोक दिया गया है और वो उधर शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत सोच समझ कर मोहम्मद वेगड़ा से कहा, सुनिए, मेरे राणा वीर सिंह जी का एक सपना अधूरा रह गया, वो यहाँ बावड़ी बना रहे थे, पहले आप उसे कंप्लीट कर दें, फिर मैं आपके साथ शादी कर लूँगा। मोहम्मद बेगड़ा तो काफ़ी खुश थे कि रानी शादी के लिए हाँ कर दिए, चलिए इसी बहाने बावड़ी का निर्माण भी हम कर देते। बावड़ी का निर्माण हुआ। जब निर्माण कंप्लीट हो गया तो मोहम्मद बेगड़ा ने रानी के पास संदेश भिजवाया कि बावड़ी कंप्लीट हो चुकी है, चलिए अब शादी करते हैं। इधर वो शादी का तैयारी करने लगे और रानी उसी बीच यहाँ एक दिन आकर इस कुएं का चारों तरफ घूमकर कुएं में कूद गई। उस दिन से ये जगह इतिहास में दर्ज हो चुका है और इसी जगह को मैं आपको दिखाने लाया हूँ। यहाँ की आर्किटेक्चर या नक्काशी आप कह सकते हैं, पहले हिंदू और जैन बेस में था, लेकिन जब मुगल आया तो मुगल आर्किटेक्चर भी इस बावड़ी का निर्माण का शामिल हुआ। चलिए इस बावड़ी को आप घूमिए और मैं भी इसे घूमता हूँ। अदलज की बावड़ी गांधीनगर शहर से 5 किलोमीटर दूर है और ये गांधीनगर की वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। जो भी अहमदाबाद घूमने आते हैं उन्हें एक बार जरूर से यहां घूमने आना चाहिए। दोस्तों, आप जो ये 5 देख पा रहे हैं, ये 5 कारीगरों के कब्र हैं। जब रानी रुदाबाई ने सुसाइड कर लिया था तो मोहम्मद बेगड़ा ने मेन 5 कारीगरों को बुलाया और पूछा कि आप क्या दूसरा बावड़ी ऐसा बना सकते हैं। तो कारीगरों ने बोला, हाँ क्यों नहीं। तब उसके बाद उन्हें मारकर राजा ने यहीं पर दफना दिया था। दोस्तों, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, वर्ल्ड कप फाइनल से पहले जो फोटो शूट हुआ था जिसमें पैट कमिंस और रोहित शर्मा खड़े होकर बीच में ट्रॉफी रखा गया था, वो अदलज का वही जगह था। आप अगर फोटोग्राफ देखिएगा इस वीडियो में, आप कंपेयर कर सकते हैं, सेम स्पॉट था। चलिए इस छोटे से वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, सी यू सून।